हीरा चोरी हुए भारत रु विदेश रे पहुंचे आमो हीरा आमो को देखे विदेशी देखांती मिच्छो बहादुरी देखंतु एहि विराट हीरा को दिने एहा थिला भगवान विष्णु को गहना एबे एहा रूस रे तमिलनाडु रो श्रीरंगपट्टनम रे थिबा श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर रे भगवान विष्णु को मूर्ति रे शोभा वर्धन करूतिला एहि हीरा 1747 रे एहि विराट हीरा को चोरी करितिले जणे फरासी सैनिक अनेक हात दे एहा किणा बिका हेला परे एहा को ईरान रो जणे कोटिपति किणिथिले श्री रंगनाथ स्वामी को हीरा रो ना होई जाइतिला आलोर्ब डायमंड परे एहा रूस रो सम्राट को कब्जा को जाइतिला ओ आजी से अच्छी रूस रे न्यूयॉर्क रे आयोजित एक फैशन इवेंट रे एही युवती पिंधितिबा हीराटी प्रकृत रे चोरी माल एहार प्रकृत मालिक थिले पंजाब पटियालार महाराजा भूपिंदर सिंह 1948 रे एहा चोरी हो जाइतिला तांको राजकोषरु एही चोरी हीरा 1982 रे हठात आविर्भाव हेला एक हीरा नीलाम स्थल रे ओ एहा को किणी नै काटियर कंपनी एक हार तयारी कला जहार एबेका मूल्य 270 कोटी अधिक दुनिया सबुठारु प्रसिद्ध हीरा कोहिनोर बाहरी आंध्र प्रदेश गोलकोंडा हीरा खणि नादिर शाह एहाकु लूट करी ईरान को नै जाइथिले 1813 मसीहा रे कोहिनोर अधिकार करथिले पंजाब रो महाराजा रणजीत सिंह से एहाकु महाप्रभु श्री जगन्नाथ को अर्पण करबा को चाहुथिले हेले एही इच्छा पूर्ण हेबा आगरु तांकर देहांत हेला 1849 मसीहा रे द्वितीय आंग्लो सिख युद्ध रे जीती ब्रिटिश पंजाब और कोहिनोर को अख्तियार कले कोहिनोर श्रीक्षेत्र परिवर्ते पहुंची गला लंडन रे ब्रिटिश राज परिवार पाखरे फ्रांस रो सम्राट माने भी भारतीय हीरा हाथी छंती 1701 रे कोलार खणी रो आविष्कृत होइथिला रिजेंट डायमंड मद्रास रो तत्कालीन गवर्नर थोमास पिट एहा को फ्रांस पठाई देथिले सम्राट लुई एही हीरा को 1722 रे निज मुकुट रे लगाइथिले नेपोलियन एही हीरा को 1801 रे निज खंडार शोभा बढ़ाइबा पई व्यवहार करथिले एही हीरा एबे एक मुकुट रो अंश जहा अछि फ्रांस रो लुभ्रे म्यूजियम रे कोलार खणी रो काकतिया राजवंश पाइथिले दरिया इ नूर हीरा खिलजी राजवंश एहा को लूट करथिले एहा थिला मोगल सम्राट शाहजान को मयूर सिंहासन रो सानो नादिर शाह एहा को नै जाइथिले ईरान एहा वर्तमान तेहरान रे सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान रो क्राउन ज्वेल संग्रह रो अंश दुनिया रो सबुठो बड़ गोलापी हीरा नूर उल एन गोलकोंडा खणी रो बाहरी थिला ओ अष्टादश शताब्दी रे लूट होई ईरान पहुंचीथिला एहा भी एबे क्राउन ज्वेल भाबे ईरान रे ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।